कोरोना संकट काल में 3 नवंबर को मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नेता धुआंधार तौर पर सभाएं कर रहे हैं। चुनावी सभा में कोविड 19 के नियमों के पालन करने को लेकर सख्त हुए न्यायालय पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भाजपा चुनाव आयोग और न्यायालय पर भरोसा करने वाला दल है। चुनाव आयोग ने कोरोना संक्रमण को लेकर नियमों का पालन करने का जो निर्देश दिया है उसका सबको पालन करना चाहिए। उपचुनाव के दौरान विवादित बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्तर नहीं गिरा है, कांग्रेस स्तर गिराने की असफल कोशिश कर रही है। कांग्रेस के पास कहने के लिए कोई उपलब्धि नहीं है, इसलिए लोगों को गुमराह कर रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया की गति धीमी होती है। सिंधिया जी आए हैं, उनका पार्टी में स्वागत है। भाजपा विचार आधारित दल है, मुझे पूरी आशा है कि वो भाजपा में समरस होंगे। व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया की गति हमेशा धीमी होती है। सिंधिया जी आए हैं, भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी विचार आधारित कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है। वो परंपराओं से प्रक्रियाओं से पद्धति से परिचित हो रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में समरस होंगे और भाजपा की ताकत बनेंगे।